पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज, प्रस्तुत है समाचार। आज शिक्षक दिवस के मौके पर एक छोटे से कस्बे से लेकर शहर नगर और महानगर तक शिक्षक सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक नुमाइंदे भी कार्यक्रमों में शिरकत कर कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप इस जानकारी से वाकिफ हैं कि आज के रोज भी शिक्षकों का एक तबका सम्मान की जगह खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। धूल धूसरे जमीन पर बैठे ये वही शिक्षक हैं जो हम आपको शिक्षित कर जमीन से तरक्की का आसमान नजर कराया करते हैं, पर आज वर्तमान हालात ने उन्हें आसरे पर आंखें टिकाए रहने को विवश कर दिया है। दरअसल ये पारा शिक्षक हैं जो आज 17 माह के बकाए मानदेय की मांग करते करते आज जा चुकने पर उस रोज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिस रोज उनके सम्मान में केक काटे और मिठाई बांटे जा रहे हैं। पर अफसोस, जहां एक तरफ वो भूखे हैं, वहीं उनके परिवार की क्षुधा भी भूख से व्याकुल है और उधर सरकार स्थायीकरण की राह गलापने में मशगूल है। घोर अपमान हो रहा है, सरकार तिल तिल कर अब प्रशिक्षित के नाम पर शिक्षकों को जान ले रही है और नई सरकार से बहुत सारे हमारे मित्रों को उम्मीद भी जगी थी, पूरे जोश खरोश के साथ सरकार को बनाने में भी योगदान रहा था, लेकिन उस पर पानी फिर गया। 17 महीनों से मानदेय नहीं मिलना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से सारे हमारे मित्र जो हैं काल के गाल में समा चुके और बहुत सारे मित्रों के यहाँ आज चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थिति आ गई है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय या प्रत्येक राज्य स्तर पर भी आज शिक्षकों को एक तरफ सम्मानित किया जा रहा है और कुछ ऐसे हमारे मित्र बचे हुए हैं जो कि सरकार की गलती उसमें हम कहेंगे। पोर्टल बंद है, अगर NOIS का पोर्टल खुल जाता तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उनका 45% 50% जो भी टारगेट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सरकार से हमारी बस यही मांग है कि NC या प्रशिक्षित के नाम पर जो सरासर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सरकार की गलती है। सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैया के चलते आज NC लगा हुआ है। अगर NIOS का पोर्टल खुला रहता तो हमारे सारे साथी प्रशिक्षित हो चुके हैं, इनका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका होता और इन्हें भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। हम आपके माध्यम से सरकार से बस यही मांग करते हैं कि NIOS का पोर्टल जल्द से जल्द खुलवाया जाए और जो 17 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है उसे अविलंब एक मुश्त भुगतान किया जाए, ताकि ये जो भुखमरी के कगार पर इनके बाल बच्चे अपने परिवार के साथ इलाज नहीं करा पा रहे हैं कम से कम वह करा सकें।